सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय का भाग 3 राजनीति विज्ञान का पाठ 1 समानता का आगे का प्रकरण अन्य प्रकार की असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि कांता अपनी दोस्त सुजाता के साथ वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही है और वो एक लाइन में खड़ी है और मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी नागरिक समान हैं और उन सबको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, या फिर किसी भी धर्म और जाति का हो। फिर वो वोट डालने के बाद अपने मालिक के घर काम करने जाती है और वहाँ वो उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है क्योंकि उनकी बेटी है वो बीमार है। लेकिन वो अपनी बेटी को पहले दिखाने नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। काम करने के बाद वो अपने मालिक से पैसे लेकर शाम को अपनी बेटी को दिखाने के लिए अस्पताल जाती है। फिर अस्पताल में भी एक लंबी लाइन लगी होती है तो इस लाइन में खड़े होकर वह सोच रही थी कि सुबह वाली लाइन से यह लाइन कितनी अलग है। सुबह वोट डालने वाली लाइन में जैन साहब, उसके मालिक भी खड़े थे और इस लाइन में उसके मालिक या फिर किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति को खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो इस तरह से उसके मन में समानता को लेकर शंका उत्पन्न हुई कि हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का आश्वस्त करता है, लेकिन लोगों का रोज़मर्रा का जो जीवन है वो समानता से कोसों दूर है। बिल्कुल इसी तरह कांता का दैनिक जीवन और उसके काम करने की स्थितियाँ भी समानता से बहुत दूर थी। तो इस भारतीय समाज में कई प्रकार की असमानताएँ भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अन्य प्रकार की असमानताएँ। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, यानी आर्थिक क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी असमानता पाई जाती है। तो इसका आशय यह हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे और ये दोनों कहानियाँ वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय व्यक्ति के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक समाचार पत्र में ये वैवाहिक विज्ञापन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि कुर्मी क्षत्रिय और BSc SSc इतनी पढ़ी लिखी प्रोफेसर हैं और उनके लिए महिला है, उसके लिए वर चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मण जिजोदिया, बुदेलखंडी ब्राह्मण, तोमर राजपूत और अग्रवाल कन्या, इस तरह से कई विज्ञापन दिए गए हैं और इन विज्ञापनों में जाति की सूचना भी दी गई है। तो इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न है कि ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में जाति की सूचना देने वाले अंशों पर गोला बनाइए। जैसे अभी हमने देखा कुर्मी क्षत्रिय, ब्राह्मण जिजोदिया, बुदेलखंडी ब्राह्मण, तोमर राजपूत और अग्रवाल कन्या, यानी कि गांवों में तो जातिगत भेदभाव दिखता ही है लेकिन शहरों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय लोगों के दिमाग में आज भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है यह
दर्शाती है। इसके बाद देखिए कि आइए अब हम एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं। तो देखो बच्चों कि आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी स्वयं लिखना। तो ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी और उस किताब का नाम था जूठन। तो उसमें वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और जहाँ से बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। तो वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था और जिसे साफ करने से मेरी कमर में दर्द होने लगा, यानी उनकी कमर दर्द करने लगी थी। तो देखिए कि छोटा सा बालक है जो कि कक्षा 4 में पढ़ता है और इतने बड़े स्कूल की वो सफाई करता है तो उससे उसके कमर में दर्द होने लगता है और धूल से चेहरा और सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। जबकि मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये उस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी जूठन, और इसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अपने अनुभवों को लिखा है। तो देखा कि किस तरह से उस छोटे से बालक के साथ विद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव होता था। तो यहाँ पर देखिए कि एक प्रश्न है, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। तो सबसे पहले ये कि उसके साथ ऐसा असमानता का व्यवहार क्यों किया, क्योंकि वह एक दलित लड़का था जो कि निम्न जाति से संबंध रखता था, और अगर हम उसके स्थान पर होते तो हमें ऐसे व्यवहार से बहुत दुख होता, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती और हम यह भी महसूस करते कि दलित बच्चों को भी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा के सभी अवसर समान अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक दूसरी कहानी जो वो भी सत्य पर आधारित है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य सी बात है, और यह कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में एक मकान किराए पर लेना चाहते थे
वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो उन्हें किराए पर मिल सकते हैं। तो वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों का मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। तो उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग एक महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थे। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न है, आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते थे, तो आप क्या कहते? तो देखिए, सबसे पहले ये कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, क्योंकि जो अंसारी दंपति है वो उन लोगों का धर्म अन्य लोगों से अलग था और उनकी जो भोजन की आदतें थी वो भी उन लोगों से अलग थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा असमानता का व्यवहार किया गया। यदि हम भी अंसारी दंपति के स्थान पर होते तो हमारे सम्मान को भी ठेस पहुँचती, और अगर हमारे धर्म के कारण हमारे साथ भेदभाव किया जाता है तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस भेदभाव के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार से देते? तो देखिए, हम उनसे ये कहते कि धर्म के आधार पर लोगों द्वारा भेदभाव किए जाने के व्यवहार का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ तो कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि मेरी गरिमा को ठेस पहुंची हो, लेकिन फिर भी हम परिवार में देखते हैं कई बार बेटा और बेटी के साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो उस समय हमें काफ़ी दुख महसूस होता है। इसके बाद आगे देखिए, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को ठेस पहुँची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कम हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अभी कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया तो उनके सम्मान को भी ठोस पहुँची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया
तब उनके आत्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उस सम्मान और उस गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो ये देखिए कि यहाँ पर भी एक ऐसा ही उदाहरण दिखाया गया है कि ये 1975 में एक फिल्म बनी थी दीवार, जिसमें कुछ बालक हैं वो पॉलिश कर रहे थे, जूते पॉलिश कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आते हैं, उनसे जूते पॉलिश करवाता है और उन्हें बदले में पैसे हाथ में न देकर ज़मीन पर फेंक देता है। तो वो बालक इन फेंके गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है और फिर वो व्यक्ति उसे हाथ में पैसे देता है। तो उस बालक का ये मानना है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्ति के साथ यदि असमानता का व्यवहार होता है तो उससे उसके सम्मान को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो हमारे भारतीय तंत्र में समानता के लिए, हमारे लोकतंत्र में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, सरकार ने समानता के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।